हेलो एवरीवन, फ्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम देखिए क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? द नंबर सिस्टम और द न्यूमरल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम जिसे हम न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स सिस्टम्स इन मैथ्स लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी आपका हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसका यूज आपका डिजिटल वर्ल्ड में होता है। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम के इंटायर कॉन्सेप्ट को, उसके वेरियस टाइप्स को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो दोस्तों नंबर्स एंड न्यूमर सिस्टम क्या है? नंबर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, दिस कैन बी डिफाइंड एज गिवन बिलो। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स कई टाइप्स के होते हैं, आपने सुना होगा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, हिंदी में आप वास्तविक संख्या हो गया, फिर आपका वास्तविक और काल्पनिक संख्या, फिर पूर्णांक आएगा और फिर आपका फ्रैक्शन आएगा। तो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए नंबर सिस्टम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर आपका रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन को देखिए तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 3/5 है आपका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका पूर्णांक और फ्रैक्शन दोनों आता है, मींस जैसे 1/3। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्या क्या आता है? देखिए इंटीजर्स होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और फिर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें तीन चीज़ें आता है, एक आता है आपका निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा है होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर जीरो से शुरू होता है और नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है। तो इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर आपका आता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है उसको इवन और ऑड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और निगेटिव इंटीजर्स को इवन इंटीजर्स और एंड ऑड इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जो नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स है उसके कंसेप्ट को आप इससे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखिए रियल नंबर सिस्टम है, तो रियल नंबर सिस्टम पूरा रियल नंबर है, उसमें दो चीज़ होता है, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मीन्स दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। वेरेज रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मीन्स रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स जो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड फिर वन टू प्लस इन्फिनिटी तक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंतर्गत ही होल नंबर आता है, होल नंबर के अंतर्गत ही आपका नेचुरल नंबर आता है, और नेचुरल नंबर में ही आपका ऑड नंबर एंड इवन नंबर आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डिफिनेशन कुछ दिया हुआ है। न्यूमरल्स क्या है? ए ग्रुप ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड ए न्यूमरल्स, एग्जांपल 15, 9, 5, 5, -10, -2, ये सब आपके न्यूमरल्स और नंबर है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है? द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जिस नंबर का यूज हम नेचुरल कोई भी ऑब्जेक्ट को काउंटिंग के लिए करते हैं उसे ही हम नेचुरल नंबर करते हैं, इसे हम गिनती की संख्या वो भी कहते हैं। तो दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन, इस नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। सो एन इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा? वन से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू
इन्फिनिट तक जाएगा। तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर दोस्तों, यहाँ पे मेन आपको जो कंसर्न है जीरो, देखिए जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वन से शुरू होता है। होल नंबर ऑन इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर्स द सेट ऑफ नंबर्स वी गेट इज नोन एज होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय W। नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो उससे हम होल नंबर कहते हैं, जो सेट बनता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, और इसे हम W से डिनोट करते हैं। सो W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अप टू इन्फिनिटी तब जाएगा, बढ़ते जाएगा जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, होल नंबर है। इवन नंबर क्या है दोस्तों, इवन नंबर्स देखिए द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। अब ये नेचुरल नंबर का ही दो पार्ट है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर्स, सच नंबर्स आर एक्सप्रेस एज 2k। ऐसे नंबर को हम 2k के फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह बढ़ते जाएगा, जिसके जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है वो आपका इवन नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में 0 हो, 8 हो, 6 हो, 2 और 4। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वही नंबर आपका इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर क्या है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। दिज नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज 2k-1 और 2k+1, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल्स आर 1, 3, 5, 7, 9 एट्सेट्रा। तो कहीं भी हम नंबर सिस्टम के सवाल या आगे कहीं भी देखेंगे तो इवन नंबर को हम 2k फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और ऑड नंबर को 2k-1 और 2k+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे k आपका एनी नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज द प्राइम नंबर्स। जो नंबर 1 और इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, वो नंबर, वो सारे नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर शुरू होता है कहाँ से दोस्तों, 2 से होता है। नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, फिर आगे होगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों, 2 से शुरू हो रहा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका ये 2 हो जाए। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है एंड इट डज नॉट हैव एनी 2 डिविजर्स। 1 का कोई भी 2 डिविजर नहीं है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर के बारे में आपने सुना होगा, द नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक को छोड़ करके, एक के अलावे जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है। मीन्स कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है जिसका, जैसे आपका हो गया 4, तो इसका फैक्टर 1 और 4 के अलावे 2 भी है। इसी तरह हो गया आपका 6, जिसका फैक्टर 1 एंड 6 के अलावे 2 एंड 3 है फैक्टर, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कंसिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार की संख्या है, कंसिक्यूटिव नंबर्स मीन्स होता है लगातार की संख्या। अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज 1 मोर देन इट्स प्रीसीडर्स इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ कंसिक्यूटिव नंबर्स। कोई भी सीरीज है मीन्स मोर देन 1 नंबर, जिसमें 2 संख्या लगातार हो, 2 या 2 से अधिक संख्या लगातार हो, उसे हम कंसिक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे 7 और 8 आर कंसिक्यूटिव नंबर्स, 8, 9, 10 आर कंसिक्यूटिव नंबर्स, 56, 57, 58, 59 इज ए सीरीज ऑफ कंसिक्यूटिव नंबर्स, तो इसे हम बोलते हैं कंसिक्यूटिव नंबर्स। अच्छा, प्रीसीडर्स एंड सक्सेसर्स क्या होता है, प्रीसीडर्स मीन्स पहले आने वाला, जैसे 8 का प्रीसीडर्स आपका हो गया 7 और 8 का सक्सेसर हो गया, ये हो गया प्रीसीडर्स और सक्सेसर, 8 का सक्सेसर हो गया 9। इसी तरह 10 है, 10 का प्रीसीडर्स हो गया आपका 9 और सक्सेसर हो गया 11। तो प्रीसीडर्स मीन्स जो पहले आता है और सक्सेसर मीन्स जो बाद में आता है, बाद में आने वाली संख्या को सक्सेसर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स मीन्स ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स
ऑल द निगेटिव होल नंबर्स एंड जीरोज आर कॉल्ड इंटीजर्स. एग्जाम्पल माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स आर ऑल इंटीजर्स. दिज आर डिनोटेड बाय आई. तो इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो, फिर वन से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे पूर्ण संख्या आ जाएगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर. कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे आपका रेशनल नंबर कहलाता है. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. जहाँ पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. और क्यू जीरो नहीं होगा बिकॉज क्यू नीचे है. यदि वो जीरो होता है तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्यू जीरो नहीं होगा. ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शंस. ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव डेसिमल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. एग्जाम्पल्स माइनस वन, प्लस फाइव, माइनस टू बाई थ्री, माइनस फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स, ये सारे आपका रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर का रेंज बहुत बड़ा है दोस्तों. इसमें सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रैक्शन आ जाएंगे. दूसरा पॉजिटिव एंड निगेटिव डेसिमल नंबर आ जाएंगे. एंड ऑल इंटीजर्स जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सारे आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं. डेसिमल में फिर आता है रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल. तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो आपका इरेशनल नंबर होता है. इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है. यदि आप इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कंसेप्ट को और भी विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख लें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल रूट थ्री, रूट रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन एट्सेट्रा. मीन्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है. रियल नंबर्स. ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. रेशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन आपका रियल नंबर कहलाता है. जैसे माइनस टू पॉइंट थ्री, जीरो, फाइव पॉइंट थ्री एंड सिक्स बाई सेवन एट्सेट्रा. दिस ऑल आर रियल नंबर्स. इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या. नंबर्स विच हैव ओनली बीन इमेजिन मीन्स जिस नंबर को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. जिसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उस नंबर को हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट माइनस टू, अंडर रूट माइनस फाइव, अंडर रूट माइनस ट्वेल्व. मीन्स अंडर रूट एनी नंबर जिसका नेगेटिव हो. कोई भी नंबर है जो नेगेटिव है और उसका स्क्वायर रूट है तो वो नंबर जो है आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है. या जैसे फाइव आई है, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है. तो इस तरह का नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते. और नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों? तो चलिए नंबर लाइन देखते हैं. इट इज़ अ लाइन ऑन विच ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स कैन बी मार्क. ये एक लाइन है जिस पे हम कोई भी पॉजिटिव और नंबर निगेटिव नंबर को मार्क कर सकते हैं. जैसे ये आपका लाइन शुरू होता है कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ये नंबर, जहाँ तक आप गिन सकते हैं. और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जीरो है जहाँ से शुरू होता है. जीरो से लेकर के इधर आपका पॉजिटिव नंबर हो गया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. और बीच में आपका फ्रैक्शन भी आएगा 3.5, 2.5, 3.75, 3.6. ये सारे आपका हो गया नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह नेगेटिव नंबर को हम जीरो के लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर सकते हैं. माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू पॉइंट फाइव, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरह माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. तो ये सारे हो गए आपके नंबर लाइन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका. देखिए अब यहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन को और क्लियरली समझाया गया है. देखिए रियल नंबर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे आपका रियल नंबर हो गया. माइनस पाई एग्जांपल है, माइनस पाई, माइनस थ्री, माइनस वन बाई टू, जीरो, वन, अंडर रूट टू, अंडर टू पॉइंट फाइव, ये सारे आपके रियल नंबर हो गए.
रियल नंबर का दो पार्ट है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू आर जेड मेंबर ऑफ जेड, मींस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पर हम इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किए हैं। इरेशनल नंबर क्या है, इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, मीन्स विच इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर और विच इज नॉन रिअकरिंग डेसिमल, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, पाई, ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई रेशनल है और इरेशनल है, पाई हमेशा इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर है पाई, जबकि 22/7 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 20 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, आपका रेशनल नंबर का दो पार्ट है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जिसको हम 1/2, 3/8, 5/13 ये सारे आपके फ्रैक्शन हो गए, और इंटीजर्स होल नंबर है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या होता है, जो 0, 1, 2, 3 या माइनस में जाए तो -1, -2, -3 ये सारे आपका पूर्णांक हो गया। अब इंटीजर्स का दो पार्ट है, होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो निगेटिव्स में आपका -1, -2, -3 इस तरह चलते जाएगा। होल नंबर में आपका आता है 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीरो एंड नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर का दो पार्ट होगा आपका, ये होगा ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ये होगा एक इवन नंबर और दूसरा होगा ऑड नंबर। निगेटिव नंबर को क्या बोलेंगे दोस्तों, निगेटिव को इंटीजर्स बोलते हैं, ऑड इंटीजर्स, क्योंकि ये नंबर नहीं है, निगेटिव है, तो निगेटिव ऑड इंटीजर्स। जैसे -4 आपका ऑड इंटीजर्स है, ऑड नंबर नहीं होगा, ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स। और दूसरा होगा आपका इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, देखते हैं नंबर्स का क्या है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम और प्रोडक्ट वो ऑलवेज आपका एक नेचुरल नंबर ही होगा। डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस और डिवीजन नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका है 5-5, दोनों नेचुरल नंबर है, इसको यदि आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपका है एक होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं। इसी तरह डिवीजन की यदि हम बात करें तो डिवीजन में जैसे आपका हो गया 3/4 है, 3/4 है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपका हो जाएगा एक इंटीजर्स हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा, ये आ जाएगा पॉइंट में 0.75 आ जाएगा, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट मीन्स दो या दो से अधिक इंटीजर्स का जोड़, घटा और गुना हमेशा इंटीजर्स ही होगा। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स मे और मे नॉट बी इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर का डिवीजन इंटीजर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड द क्वेशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेशेंट ऑफ इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, उसका सम द डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर जैसे 2+√3, एक ये इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है 3-√3, इसका सम कर दें तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 3+2, 5 आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल हो गया। इसी तरह यदि इसका हम डिफरेंस लेंगे तो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका, सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल, एक कोई भी एक रेशनल
और एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एन रेशनल इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी एक इरेशनल नंबर सपोज 5 है, दूसरा इरेशनल नंबर माइनस 5 है, इस दोनों का प्रोडक्ट 5√5 होगा जो ऑलवेज इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर है उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर है, दैट इज एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी नंबर 5 है इसमें किस नंबर को जोड़ेंगे कि सेम ही उसका वैल्यू आएगा, 0+5 इक्वल टू 5 ही आएगा, तो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, मीन्स एक नंबर है एक्स है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका मल्टी प्रोडक्ट जो है 1 आ जाएगा, तो x को 1/x के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो कोई भी नंबर का इन्वर्स भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी नंबर का, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू 1 होता है। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, बट जीरो हैज नो रेसिप्रोकल्स। 5 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/5 हो गया। इसी तरह 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 3/2 हो गया, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। तो सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का भी मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है, जैसे -3/2 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स -2/3 होगा। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स मीन्स होता है नेगेटिव, जिसको हम आगे कवर करेंगे। जैसे 5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -5। -7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स आपका +7 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कोई भी दो रेशनल नंबर है, सपोज नंबर लाइन पे 2 और 3 है, 2 और 3, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, अनंत होगा। कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को कैसे कंपैरिजन करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। रेशनल नंबर हैज, कोई भी दो रेशनल नंबर को कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो दो इसके दो टाइप्स को हमने डिवाइड किया, रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर एंड दूसरा है रेशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स एक रेशनल नंबर है जिसका हर जो नीचे आता है डिनोमिनेटर या हर समान है, एक दूसरा रेशनल नंबर जिसका हर या डिनोमिनेटर समान नहीं है, तो उस दोनों को कैसे हम रिप्रेजेंट, मतलब कैसे डिसाइड करें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, चलिए इसको समझिए। देखिए, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर सेम, द रेशनल नंबर्स विथ द स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द अदर। If the denominator of two positive numbers are same, यदि denominator same है दो positive integers से जिसका denominator same है, then the rational number with the smaller numerator is smaller than other। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे 3/5 है और एक है 4/5, यदि दोनों का denominator देखे यहाँ same है, हर same है, तो कौन सा बड़ा होगा, तो इसको हम ऊपर वाला जो numerator है इसको देखेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा होगा, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, बट फॉर टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स द केस विल बी जस्ट द अपोजिट, दैट इज इफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर द रेशनल नंबर विद द स्मॉलर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द अदर। हाँ, लेकिन निगेटिव के केस में अलग होता है, निगेटिव के केस में उल्टा होता है। एग्जाम्पल है, जैसे 4/7 और 5/7 में 7 नीचे का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका न्यूमरेटर जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। जैसे 4/7 इज लेस देन 5/7, यदि निगेटिव है तो
माइनस टू बाई फाइव इज ग्रेटर देन माइनस फोर बाय फाइव। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, हर सेम है, फाइव फाइव है, तो हमें देखना है न्यूमरेटर माइनस टू एंड माइनस फोर। तो माइनस टू बड़ा होता है माइनस फोर से, टू फोर से छोटा है, लेकिन निगेटिव में जाएंगे तो माइनस टू फोर माइनस फोर से बड़ा होगा, इसलिए माइनस टू बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव से बड़ा है। नेक्स्ट है आपका इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट, यदि डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दे शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर एंड देन द रेशनल नंबर्स विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द अदर। यदि दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसके डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है फिर वो बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होगा। चलिए देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी रेशनल नंबर का, इसको देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है स्टेप टू राइट टू और मोर रेशनल नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, क्या फर्स्ट स्टेप है आपका राइट द गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ उसको राइट करना है। इफ़ रेशनल नंबर्स आर इस टाइप का है, देखिए माइनस सेवन बाई टेन, फाइव बाई माइनस एट, टू बाई माइनस थ्री एंड माइनस फोर बाई फाइव, तो वी राइट देम एज, तो हमें क्या करना है निगेटिव को सबको ऊपर ले जाना है, माइनस सेवन बाई टेन, माइनस फाइव बाई एट, माइनस टू बाई थ्री, माइनस फोर बाई फाइव, इस तरह लिखना है। जिसका निगेटिव नीचे है उसको भी हम ऊपर कर देंगे। स्टेप टू क्या है फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, अब ये जो डिनोमिनेटर दिया है टेन एट थ्री फाइव इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ये सबका जो एलसीएम आएगा टेन एट थ्री एंड फाइव का, तो ये आएगा आपका 120। उसके बाद क्या करेंगे स्टेप थर्ड में क्या है राइट ऑल द गिवन रेशनल नंबर्स विथ दिस एलसीएम एज डिनोमिनेटर सो दैट द नंबर्स सो रिटेन आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे सबका डिनोमिनेटर को 120 बनाएंगे, तो 120 बनाने के लिए क्या हुआ देखिए माइनस सेवन बाई टेन है, इसको 12 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से ऊपर भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हो गया 120 ऊपर हो गया माइनस 84। इसी तरह माइनस 5 बाई 8 है, 120 बनाना है तो 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 बनेगा, तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया माइनस 75 बाई 120। इसी तरह माइनस 2 बाई 3 को चेंज किया है 40 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे माइनस 80 बाई 120, माइनस 4 बाई 5 को इसी तरह चेंज किया माइनस 96 बाय 120। स्टेप फोर क्या है नाउ कंपेयर द सो फाउंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमरेटर, अब इसको जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को कंपेरिजन करेंगे और जो बड़ा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे माइनस 96 ये देखिए नंबर बड़ा है लेकिन निगेटिव है इसलिए ये सबसे छोटा हो गया, माइनस 96 उससे बड़ा है आपका माइनस उससे छोटा है, हाँ माइनस 96 से बड़ा है माइनस 84 फिर माइनस 80 फिर माइनस 75, सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट माइनस 96 बाई 120, माइनस 84 बाई 120, माइनस 80 बाई 120 एंड माइनस 75 बाई 120। इसका जो मूल फॉर्म था क्या था ये था माइनस 4 बाई 5, माइनस 7 बाई 10, माइनस 2 बाई 3 एंड माइनस 5 बाई 8, तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड टू डिसाइड विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, दूसरा स्टेप है देखिए लेट द रेशनल नंबर टू बी कंपेयर्ड आर 3 बाय 5 एंड 5 बाय 7, ये दो रेशनल नंबर है जिसको कंपेरिजन करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे इस दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला है 3 बाई 5 एंड 7 बाई 5, तो ये 7 को आप ऊपर में इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 को इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इस साइड आ जाएगा आपका 25, वी गेट 21 एंड 25, आउट ऑफ 21 25 21 इज स्मॉलर, इसमें स्मॉलर 21 है इधर जो मल्टीप्लाई किए हैं, तो जिस नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से छोटा नंबर हो रहा है तो वही नंबर आपका छोटा होगा और जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से बड़ा हो रहा है वो नंबर आपका बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया
थ्री बाय फाइव इज लेस देन फाइव बाय सेवन, ये होगा आपका। इस तरह से ज़्यादा नंबर है तो उसको भी हम इसी तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं। इफ़ द नंबर्स टू बी कम्पेयर आर थ्री और मोर, कंपेयर द रेशनल नंबर्स बाय टेकिंग पेयर्स। तो इसको हम पेयर्स लेके कंपेरिजन करना होगा। एक तीसरा मेथड भी है दोस्तों, जिसको में हम डेसिमल बना करके भी कंपेरिजन कर सकते हैं। जब चार से ज़्यादा नंबर, तो इस मेथड से कंपेरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में हम कंपेरिजन, जैसे है थ्री बाय फाइव, टू बाय थ्री, सेवन बाय एट, एट बाय नाइन, तो इस तरह का नंबर यदि हो तो इस तरह के नंबर को कंपेरिजन करने के लिए क्या करना होगा, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.6 हो गया इसका, इसका हो गया आपका 0.66, इसका हो गया आपका 0.6866, और ये हो गया आपका 9981, ऑलमोस्ट 9872, 72 हो गया, 8 हो गया, फिर 9872, ये होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए 3/5 लेस देन 2/3, लेस देन 7/8, लेस देन 8/9। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो ज़्यादा इजी होगा। यदि दो या तीन नंबर का कंपेरिजन करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स। इफ़ देयर इज ए नंबर विच हैज नो डिविजर अपार्ट फ्रॉम वन इट सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइम नंबर क्या है। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। दोस्तों 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 43, 44, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97। ये आपका 25 प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 100। और यदि 1 to 25 की बात करें तो देखिए कितने प्राइम नंबर हो होंगे। देखिए 1 to 25 यहाँ तक, ये हो गया 1 to 25। 1 to 25 प्राइम नंबर होगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर्स कितने होंगे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। फिर 25 to 50 देखते हैं, 25 to 50 कितना होता है प्राइम नंबर, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। फिर 50 to 75 की बात करें तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। और 75 to 100 की बात करें तो कितना होगा, देखिए 1, 2, 3, 4 होता है। इन सबों को जोड़ने से देखिए आपका टोटल 25 हो गया, मीन्स 1 to 100 जो है 25 प्राइम नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिटवीन 90 एंड 100, 97 इज द ओनली प्राइम नंबर, 100 से 90 to 100 97 इज द ओनली प्राइम नंबर है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर नॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैंने GK का भी एक नया सीरीज शुरू किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।